हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, हमने सर्कल के बेसिक टर्म अच्छे से समझ लिए हैं। सर्कल क्या होता है ये अच्छे समझ लिया है। फर्दर हमको सर्कल से रिलेटेड थ्योरम से स्टडी करने हैं और उसके बाद हम लोग उसे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले देखिए, हम समझ लेते हैं एंगल सब्सटेंडेड बाई कॉर्ड ये क्या होता है। मतलब अगर आपके आपको दे दिया गया कि कोई कॉर्ड है जो एंगल बना रहा है सर्कल पे या सर्कल सेंटर पे, तो इसका मतलब क्या होता है। आप देखिए, कह सकते हैं इन द गिवन फिगर, जो आपको यहाँ पे गिवन फिगर है, यहाँ पे देखिए जो कॉर्ड ए बी है, कॉर्ड ए बी क्या कर रहा है, सेंटर पे एंगल बना रहा है। तो ये देखिए जो एंगल ए ओ बी है, यही क्या है, एंगल सब्सटेंडेड बाय कॉर्ड ए बी एट द सेंटर। आप कह सकते हैं एंगल ए ओ बी ये क्या है, ये है एंगल सब्सटेंडेड बाय कॉर्ड ए बी एट द सेंटर। या फिर देखिए, आप ऐसे बोल सकते हैं एंगल सब्सटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर का मतलब क्या हुआ कि कॉर्ड के एंड पॉइंट्स, ये देखिए जो एंड पॉइंट है, कॉर्ड के एंड पॉइंट से यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, इसी को क्या बोलेंगे, एंगल सब्सटेंड बाय कॉर्ड एट द सेंटर। अब आइए थ्योरम चलते हैं। फर्स्ट थ्योरम देखिए हमारे पास क्या है। फर्स्ट थ्योरम है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, या फिर आपका ये कॉन्वेंट सर्कल्स सब्सटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। यहाँ पे बात समझिएगा, देखिए कहा जा रहा है आपसे, क्या कहा जा रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल या फिर कॉन्वेंट सर्कल। अब कॉन्वेंट सर्कल का मतलब क्या हो गया कि दो सर्कल जिनका रेडियस सेम हो। तो अब जैसे यहाँ पे देखिए, एक सर्कल है आपके पास, इस सर्कल के जो कॉर्ड्स हैं, यहाँ पे कॉर्ड्स क्या है, ए बी एंड सी डी, ये क्या है, इक्वल कॉर्ड्स हैं। अगर ठीक है, ये कॉर्ड्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, तो ये सेंटर पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सेंटर दिख रहा है, सेंटर हो, सेंटर पे क्या करेंगे, ये इक्वल एंगल बनाएंगे। मतलब ये एंगल जो है आपके पास, एंगल सी ओ डी एंड एंगल ए ओ बी, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे ये जो आपको एंगल दिख रहा है, एंगल क्या दिख रहा है, एंगल सी ओ डी एंड एंगल ए ओ बी, ये आपस में इक्वल होगा अगर कॉर्ड ए बी एंड सी डी ये दोनों आपस में इक्वल है। फर्दर अगर हम बात करें इन दोनों सर्कल की, तो ये दोनों सर्कल जो हैं ये कॉन्वेंट सर्कल है, तो इसका मतलब इनका रेडियाई क्या है, सेम है। तो अगर कहा जा रहा है कि अगर ये कॉर्ड पी क्यू एंड एम एन, ये दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल होंगे, तो ये जो एंगल है पी ओ क्यू और ये जो एंगल है एम ओ एन, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। समझ लीजिए इस बात को कि ये कैसे कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए आपको कहा गया है कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी ये आपस में इक्वल है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कहा जा रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल या फिर कॉन्वेंट सर्कल सब्सटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो अब देखिए इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल का मतलब क्या हुआ कि ये कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ये दोनों आपस में इक्वल है। यहाँ पे क्या किया मैंने आपको, ए बी इज इक्वल टू सी डी, हम इस सर्कल की बात कर रहे हैं। अगर इन दोनों सर्कल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है पी क्यू इज इक्वल टू एम एन। तो अब देखिए आप यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल है, देखिए हम आपको प्रूफ बता दे रहे हैं, आप प्रूफ अच्छे समझ लीजिए। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे प्रूफ किए हैं, तो अगर हम यहाँ पर समझा देंगे तो मुझे लग रहा है आप आसानी से प्रूफ कर लेंगे। तो आप देखिए ये जो ट्रायंगल ए ओ बी है और ये जो ट्रायंगल सी ओ डी है, ध्यान दीजिएगा ट्रायंगल ए ओ बी यहाँ पे आपको दिख रहा है एंड नेक्स्ट ट्रायंगल आपको यहाँ पे सी ओ डी दिख रहा है, जो कि हम डिफरेंट कलर से आपको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको ये दिख रहा है ओ बी, देखिए जो ओ बी है ये क्या है, ओ डी के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस है सर्कल का ओ बी एंड ओ डी। ए ओ एंड ओ सी ये दोनों आपस में इक्वल है, और ये सी डी और ए बी ये इक्वल आपको गिवन ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल बी ओ ए, या आप कहिए ट्रायंगल इस तरीके से कह दिए ट्रायंगल ए ओ बी, ये क्या है, कॉन्ग्रेंट है। किसके कॉन्ग्रेंट है, ट्रायंगल सी ओ डी के कॉन्ग्रेंट है। क्योंकि तो आपने क्या दिखाया, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, और क्या दिखाया आपने, बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, और आपने दिखाया कि सी डी इज इक्वल टू, या फिर आप कह सकते हैं ए बी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। सो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि बाय द हेल्प ऑफ साइड 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 कॉन्वेंस कंडीशन दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो आप कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और यही यहाँ पे थ्योरम में कहा जा रहा था। क्या कहा जा रहा था, देखिए इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सब्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब कॉन्वेंट सर्कल की बात कर लेते हैं, तो कॉन्वेंट सर्कल में आप इन दोनों सर्कल्स को देखिए जिसका कि सेंटर क्या है ओ वन एंड ओ टू,
इन दोनों सर्कल्स की अगर हम बात करें तो आप क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों सर्कल्स में ये जो ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे आपको फिगर में ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल क्या आपके पास, ट्रायंगल पी ओ एन क्यू एंड ट्रायंगल एम ओ टू एन। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं पी ओ वन इज इक्वल टू क्या आपके पास, एम ओ टू, क्योंकि ये देखिए दोनों सर्कल्स कॉन्जेंट हैं तो रेडियस इक्वल होगा। फर्दर हम बात करें क्यू ओ वन ये किसके इक्वल है, ये एन ओ टू के इक्वल है एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू एम एन तो है ही आपके पास। तो देखिए आप कह सकते हैं यहाँ पे कि विद द हेल्प ऑफ साइड 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 कॉन्वेंस क्राइटेरिया दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्गेंट, मतलब ट्रायंगल पी ओ वन क्यू कॉन्गेंट टू ट्रायंगल एम ओ टू एन। अब ये ट्रायंगल्स कॉन्गेंट है तो क्लियरली आप कह सकते हैं कि एंगल एम ओ टू एन इज इक्वल्स टू एंगल पी ओ वन क्यू, और यही जो है आपको थ्योरम में बोला गया था। तो आई होप आपको थ्योरम समझ में आ गया होगा, सिंपल थ्योरम है, इसको आप प्रूफ करिएगा। गिवन स्टेटमेंट में आप क्लियरली देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि गिवन स्टेटमेंट में क्या आपके पास सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और ए बी एंड सी डी दो इक्वल कॉर्ड्स है। यहाँ पे प्रूफ करने के लिए आप कह सकते हैं कि दो कॉन्वेंट सर्कल है जिनका सेंटर ओ वन एंड ओ टू है, और जहाँ पे ओ वन सर्कल है मतलब जो सर्कल आपके पास ओ वन है, या बोल सकते हैं जो सर्कल का सेंटर ओ वन है उसका सेंटर उसका कॉर्ड पी क्यू है एंड जिस सर्कल का सेंटर ओ टू है उसका कॉर्ड आपके पास क्या है एम एन है, जो कि आपस में क्या है इक्वल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ जो कि क्या है कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर वन। तो थ्योरम टू क्या है हमारे पास, देखिए इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाई कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अब देखिए जो हमने पहले थ्योरम पढ़ा उसी का क्या है कन्वर्स है कि अगर दो कॉर्ड्स जो हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहे हैं तो कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगे, ऑब्वियस सी बात है। जैसे हमने पहले थ्योरम को प्रूव किया तो वैसे इसको भी प्रूव कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेंट ट्रायंगल्स। सब देखिए अगर यहाँ पे हम इस सर्कल की बात करें जहाँ पे कि सेंटर क्या है ओ है हमारे पास, तो कहा जा रहा है कि कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी आपके पास है, यहाँ पे कॉर्ड ए बी एंड सी डी ये गिवन है, ये सेंटर भी क्या कर रहे हैं इक्वल एंगल बना रहे हैं, मतलब कि ये एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी ये दोनों एंगल आपस में क्या है इक्वल हैं। आपको शो करना है कि ए बी एंड सी डी आपस में इक्वल हैं, सो क्लियरली देखिए ए ओ एंड सी ओ ये आपस में इक्वल होगा क्योंकि रेडियस है, बी ओ एंड डी ओ ये दोनों आपस में इक्वल होगा क्योंकि रेडियस है सेम सर्कल का एंड ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है ही। सो क्लियरली ट्रायंगल अगर हम बात करें दोनों ट्रायंगल की, ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं, ट्रायंगल है आपके पास ए बी ओ दिस वन ए बी ओ एंड नेक्स्ट ट्रायंगल की बात करें नेक्स्ट ट्रायंगल हमारे पास क्या है सी डी ओ, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा इक्वल होगा। तो आप कह सकते हैं कि ए बी एंड सी डी ये आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। देखिए गिवन स्टेटमेंट आप नोट कर लीजिएगा, गिवन क्या आपके पास, गिवन में आप कह सकते हैं कि गिवन है आपको यहाँ पे क्या गिवन है, देखिए कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ए बी एंड सी डी दो कॉर्ड्स हैं जो कि सेंटर पे इक्वल एंगल सब्टेंड कर रहे हैं, मतलब एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी ये दोनों आपस में इक्वल है, ये तो आपको गिवन ही है। अब देखिए आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है आप लिख सकते हैं टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है आपको, आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी एंड सी डी ये आपस में क्या है इक्वल है, मतलब दोनों कॉर्ड्स क्या हैं इक्वल हैं। गिवन क्या है आपको, एक सर्कल है सर्कल विद सेंटर ओ कॉर्ड ए बी एंड सी डी सच दैट कॉर्ड ए बी एंड सी डी सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सो यहाँ पे आई करके लिख लीजिएगा एंगल ए ओ बी इज एंड एंगल सी ओ डी आर इक्वल, या बोल सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। प्रूफ क्या करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी, सो आप प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है ना, या आप कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं ज्वाइन ए ओ बी ओ सी ओ एन डी ओ, सो ए ओ बी ओ सी ओ एन डी ओ को ज्वाइन करने के बाद आप प्रूफ लिख दीजिए। सो प्रूफ क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, अगर आप ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी की बात करें तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पे ए ओ इज इक्वल टू सी ओ है क्योंकि ये क्या है रेडियस है, ये क्या आपके पास रेडियस ऑफ द दिस सर्कल
रेडियस ऑफ सर्कल। नेक्स्ट आप कह सकते हैं बी ओ इज इक्वल्स टू डी ओ है, ये भी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। एंड फर्दर आपको गिवन ही है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू क्या, एंगल सी ओ डी, ये आपको गिवन ही है। तो आप कह सकते हैं ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ डी विद द हेल्प ऑफ साइड एंगल साइड कॉन्वेंस कंडीशन। सो क्लियरली ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, एंड यही प्रूफ करना था। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे कॉन्वेंस सर्कल्स की बात करें तो कॉन्वेंस सर्कल्स के लिए भी आप प्रूफ कर सकते हैं आसानी से। आपने यहाँ पे एज्यूम किया कि दो कॉन्वेंस सर्कल हैं जिनका सेंटर क्या है ओ वन एंड ओ टू रिस्पेक्टिवली। आपको सर्कल्स में दो कॉर्ड्स गिवन है, कॉर्ड्स क्या है पी क्यू एंड एम एन, सच दैट कॉर्ड्स सबसेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब ये एंगल जो है पी ओ वन क्यू एंड एंगल एम ओ टू एंड ये आपस में इक्वल है। तो आपको पी क्यू इज इक्वल टू एम एन प्रूफ करना है। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, मतलब पी ओ वन ऐसे बोल दिए पी ओ वन इज इक्वल टू एम ओ टू। फर्दर आप कह सकते हैं, देखिए क्या कह सकते हैं कि क्यू ओ वन इज इक्वल टू एन ओ टू एंड एंगल पी ओ वन क्यू इज इक्वल टू एंगल एम ओ टू एन, ये एंगल्स आपस में इक्वल है। तो क्लियरली आप कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल जो आपके पास, ट्रायंगल क्या है यहाँ पे देखिए, ट्रायंगल है पी ओ वन क्यू ये ट्रायंगल एंड एम ओ टू एंड ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट है, ट्रायंगल कॉन्वेंट हो जाएंगे तो पी क्यू और एम एन आपस में इक्वल हो जाएगा। आई होप ये आप समझ गए होंगे, इसको आप प्रूव करिएगा खुद से। चलिए फर्दर चलते हैं थर्ड थ्योरम की तरफ। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या, देखिए नेक्स्ट थ्योरम है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक द कॉर्ड। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कोई सर्कल है, सर्कल के सेंटर से आप कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है वो क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक करेगा। फिर से देखिए स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक द कॉर्ड, मतलब आपने क्या किया कि सर्कल के सेंटर से आपने कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया है ये क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। आप गिवन स्टेटमेंट लिख सकते हैं, यू हैव अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड कॉर्ड ए बी सच दैट ओ एल इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। आपको प्रूफ करना है दैट ए एल, आपको प्रूफ क्या करना है देखिए यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, आपको प्रूफ करना है ए एल इज इक्वल्स टू बी एल, ये आपको प्रूफ करना है। देखिए हमने बहुत से प्रूफ पढ़ लिए हैं ऑलरेडी, तो मुझे लग रहा है आप प्रूफ कर लेंगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं आपको प्रूफ एक्सप्लेन कर रहे हैं। वैसे भी प्रूफ आपको ये जो प्रूफ है वो किसी एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाएंगे ज़्यादा, बट आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो हम आपको प्रूफ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं और आप खुद से प्रूफ करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी आपको बाद में प्रूफ करते समय तो आप डाउट क्लियर कर लीजिएगा पूछ के, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करिए, कंस्ट्रक्शन कर लीजिए ए ओ एंड बी ओ को इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अब आप अगर ट्रायंगल ए ओ एल एंड ट्रायंगल बी ओ एल को कंपेयर करें, ट्रायंगल ए ओ एल एंड ट्रायंगल बी ओ एल को आप कंपेयर करें तो आप देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए ओ एल एंड ट्रायंगल बी ओ एल में अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ओ एल इज इक्वल्स टू ओ एल एंड दिस वन आपके पास ए ओ इज इक्वल्स टू बी ओ, क्योंकि ये दोनों क्या है रेडियस है, ओ एल तो कॉमन हो गया एंड ए ओ और बी ओ क्या है रेडियस है। एंड आपको क्लियरली दिख रहा होगा एंगल ए एल ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी एल ओ, ठीक है। क्यों इक्वल है ये भी चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी, इक्वल इसलिए है क्योंकि ये ओ एल जो है ओ एल परपेंडिकुलर है, किसे परपेंडिकुलर है, ओ एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी। सो क्लियरली यहाँ पे जो एंगल है ये 90 डिग्री हो जाएगा, आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। सो आप कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ट्रायंगल ए एल ओ एंड ट्रायंगल बी एल ओ, या आपके ये ट्रायंगल ए ओ एल एंड ट्रायंगल बी ओ एल, ये क्या हो गया कॉन्ग्रेंट। सो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए ट्रायंगल ए ओ एल इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ओ एल। सो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा,
ए एल इज इक्वल्स टू बी एल, एंड यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। सिंपल स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट लर्न करिएगा। देखिए स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप ये जो थ्योरम्स हैं थ्योरम्स को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, प्रूफ समझ लीजिएगा। प्रूफ इसलिए ज़रूरी है समझना कि कैसे हो रहा है, स्टेटमेंट आपको लर्न रहेगा आसानी से। बट अगर इन केस प्रूफ आपसे नहीं हो रहा है, प्रूफ नहीं लर्न हो रहा है, या प्रूफ करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो स्टेटमेंट लर्न करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे हमेशा। फटाफट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या है। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। देखिए जो हमने प्रीवियस थ्योरम पढ़ा उसी का क्या है, कन्वर्स है। प्रीवियस थ्योरम क्या था कि सेंटर से किसी कॉर्ड पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये आपके पास सेंटर है और ये जो आपके पास ए बी ये कॉर्ड है, तो सेंटर से कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक करेगा। और इस थ्योरम में क्या बोला जा रहा है कि आपने क्या किया, कॉर्ड पे सेंटर से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जो कि कॉर्ड के मिड पॉइंट पे मिल रही है, मतलब कॉर्ड को बाइसेक कर रही है। आपको ये बताना है कि जो आपने सेंटर से लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है ये कॉर्ड पे क्या है, परपेंडिकुलर है। स्टेटमेंट आप फिर से देख लीजिए, स्टेटमेंट क्या है आपके पास, देखिए स्टेटमेंट है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब सेंटर से, सर्कल के सेंटर से आप कॉर्ड पे कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें जो कॉर्ड के मिड पॉइंट पे मिल रही है, तो वो जो आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है वो क्या है, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है। चलिए इसको भी हम प्रूफ कर लेते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए भी हम क्या करेंगे, ए ओ और बी ओ इन दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। आपने दोनों को ज्वाइन कर दिया तो आप कह सकते हैं इन ट्रायंगल ए ओ एल एंड ट्रायंगल बी ओ एल, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए हमारे पास क्या है, वी हैव क्या है हमारे पास, देखिए ए एल इज इक्वल्स टू बी एल, ये तो गिवन है, ये आपको गिवन है ऑलरेडी, ठीक है ना, ए एल इज इक्वल्स टू बी एल। फर्दर देखिए ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, क्योंकि ये रेडियस है सर्कल का। एंड फर्दर आप कह सकते हैं ओ एल इज इक्वल्स टू ओ एल, क्योंकि ये कॉमन है। सो दिस गेट्स ट्राइंगल ए ओ एल इज कॉन्गेंट टू ट्राइंगल बी ओ एल। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे देखिए एंगल ए एल ओ एंड एंगल बी एल ओ ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कॉन्गेंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एंगल ए एल ओ और एंगल बी एल ओ इन दोनों का सम कितना है हमारे पास, 180 डिग्री। सो हम लिख सकते हैं वी हैव एंगल ए एल ओ प्लस एंगल बी एल ओ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब यहाँ पे ए एल ओ और बी एल ओ आपस में इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए एल ओ प्लस एंगल ए एल ओ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए एल ओ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो एंगल ए एल ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब एंगल ए एल ओ 90 डिग्री आ गया, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी एल ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल ए एल ओ एंड एंगल बी एल ओ ये दोनों क्या है, 90 डिग्री। तो क्लियरली हमको ये बात समझ में आ रही है कि जो ओ एल है ये क्या है, कॉर्ड ए बी पे परपेंडिकुलर है, और यही हमको क्या करना था, यहाँ पे प्रूफ करना था। सो आई होप देखिए सिंपल स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट आपको लर्न हो गया होगा, और इसका प्रूफ भी आसान था, तो मुझे लग रहा है प्रूफ भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।